So what's up clashers, welcome back to a brand new video of Clash of Clans. Hello guys, I am Sunny Leone. एंड यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड विलेज के बारे में। एंड रुको, कहीं जाना मत, एंड तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि जो भी बातें की जाएगी 101% वो ठीक होंगी। एंड चलिए चालू करते हैं आपका बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए, लेट्स गो क्लैशर्स। तो दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले मैं एक और बहुत ही बढ़िया आपके फायदे की बात बताना चाहता हूँ, दैट हमारे चैनल पे गोल्ड पास का हो रहा है गिव अवे, एंड ये फिफ्थ गोल्ड पास गिव अवे है। सो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं, हमारे टॉपिक पे बात करते हैं। तो गाइज मैंने बहुत टाइम से कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, मैं सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, एंड फाइनली मैंने सोचा कि यार आज इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए हमें, क्योंकि यार मैंने काफी सारे चैनल्स देखे हैं जो इससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। वीडियो गाइज 5-6 मिनट की होती है और मुझे कुछ ऐसा खास उसमें लगता नहीं है। और जहां तक बात की जाए यार थर्ड विलेज की, गाइज देखो सिंपल सी बात है यार, फर्स्ट विलेज हमारा होम विलेज है, सेकेंड हमारा बिल्डर बेस है, उसको कुछ कुछ लोग नाइट विलेज भी बोल देते हैं। तो गाइज देखो यार अभी तक हमारा जो बिल्डर बेस है जिसको आप विलेज 2 बोल सकते हो, अभी तक यार उस पर ही लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। मेनली जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग्स में बेस विजिट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार कोई भी बिल्डर बेस पे इतना ध्यान नहीं देता, 10 में से मुश्किल से 2 लोग होते होंगे या फिर 1 लोग जो बिल्डर बेस को फुल इज्जत देते हैं, और वो भी भाई इसीलिए देते हैं ताकि उनका 6th बिल्डर उन्हें मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है जब तक सेकेंड विलेज इतना सक्सेसफुल नहीं होगा तो भाई थर्ड विलेज क्यों ही आएगा यार। हो सकता है कि अभी तक बिल्डर बेस पे लोग इतना फोकस ना करें, थर्ड विलेज आ रहा है चलो ठीक है नई चीज़ आएगी लोग खेलेंगे उसको, बट भाई अभी कोई थर्ड विलेज नहीं आएगा, ये चीज़ मैं 101% कंफर्म कर सकता हूँ। और ना ही भाई मैं क्लैश ऑफ क्लैंस के किसी प्रोग्राम में हूँ कि मुझे अपडेट्स आते हों, बट स्टिल एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं दूसरी बात पे, एंड आपको मैं बताता हूँ कि अगर कोई अपडेट आ सकता है अभी जल्दी इन फ्यूचर क्या कुछ महीनों में या इसी साल, तो उस अपडेट के बारे में बात करते हैं फिलहाल। तो गाइस देखो जहाँ तक बात की जाती है बिल्डर हॉल 10 के ऊपर मैं अभी ज़्यादा बातें नहीं बोलने वाला क्योंकि मैं इसके लिए भी आप सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ। बट हाँ बिल्डर हॉल 10 आएगा और जितने चांसेस मुझे लग रहे हैं इसी साल आएगा, क्योंकि मैंने एक डायरियन सर का वीडियो देखा था जिनमें उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था कि काम चालू है। अब आप बोलेंगे भाई वो वीडियो दिखा दो, तो गाइज वो वीडियो का क्लिप मैंने इसलिए डाला क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि कॉपीराइट इशू ना हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है गाइज, जो अगली वीडियो हम बिल्डर हॉल 10 के ऊपर बनाएंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा उस क्लिप को हम ऐसे डाल दें कि भाई कॉपीराइट ना आए एंड आप सबको पता भी चल जाए कि डायरन सर ने क्या कहा था। सो गाइज होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन मिल गई हो। तो एंड हम इसी के साथ करते हैं वीडियो का कि यार देखो थर्ड विलेज को अभी साइड रख दो, एंड अभी कुछ ट्रेलर भी आया था क्लैश ऑफ क्लैंस का, लोग उसमें से पता नहीं क्या क्या क्ल्यूज ले रहे थे कि ये आएगा वो आएगा, भाई कुछ नहीं आने वाला। अभी चांसेस मुझे बिल्डर हॉल 10 के ही लग रहे हैं एंड गाइज मोस्ट प्रोबेबली वही आएगा। और एक और बात फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप गोल्ड पास जीतना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और लाइव स्ट्रीम्स हम जब भी करते हैं वहाँ पे एक्टिव रहिए, उसका पार्ट बनिए। एंड होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ कन्फर्म हुई हो चीज़ें इससे। बाकी अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, मौज लीजिए, रोज लीजिए, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।